हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिचर्ड एब्राइट, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, वो आखिर साइंटिस्ट बने कैसे, क्या थी उनके बचपन की स्टोरी। रिचर्ड एब्राइट अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड थे। उनका बर्थ पेंसिल्वेनिया के रीडिंग नाम की जगह पर हुआ था और उनका घर भी वहीं था। वो कहते हैं कि वहां उनके पास कुछ ज़्यादा करने को नहीं था। वो कहते हैं कि वो वहां पर अकेले थे, तो वो बेसबॉल या फुटबॉल तो नहीं खेल सकते थे, लेकिन वो चीज़ों को कलेक्ट तो कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। वो जब केजी यानी किंडरगार्डन में थे, तब से ही वो बहुत डिटरमाइंड थे और बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे। ऐसे ही वो स्टोन्स, फॉसिल्स और कॉइन्स भी कलेक्ट करते थे। बीच में वह अचानक से एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे और इसके चलते वो कई बार रात भर तारों को देखते रहते थे। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और इंटेलिजेंट भी। उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी और वो रिचर्ड एब्राइट को चीज़ों को समझने और सीखने के लिए एनकरेज भी करती थी। वो उनको ट्रिप्स पर ले जाती थी, उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास और माउंटिंग मटेरियल भी लेकर आती थी और भी बहुत कुछ करती थी। रिचर्ड एब्राइट की मदर कहती हैं कि मैं ही रिचर्ड की कंपेनियन थी जब तक वो स्कूल न जाने लगा, और जब वो स्कूल जाने लगा मैं उसके फ्रेंड्स को भी घर ले आती थी। रिची ही मेरा सब कुछ था जब से उसके फादर की डेथ हुई थी, जब वो थर्ड ग्रेड में था। लगभग हर दिन हम दोनों पूरी शाम डाइनिंग टेबल पर गुजार देते थे। अगर रिची के पास काम नहीं रहता था तो मैं उसे काम देती थी। फिजिकल वर्क नहीं, बल्कि याद करने का, पढ़ने का वर्क। वो बाकी चीज़ों में बाकी बच्चों जैसा ही था, पर वो हर एग्जाम में टॉप ग्रेड्स लेकर आता था। जब तक वो सेकेंड ग्रेड में पहुंचा, तब तक उसने अपने होम टाउन के आसपास की 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई को कलेक्ट कर लिया था। अब तो लगभग सारा काम ही खत्म हो गया था, कोई नई स्पीशीज नहीं बची थी। पर उसी बीच उनकी मदर ने उन्हें एक बच्चों की बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ला कर दी। उस बुक में मोनार्क बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका तक कैसे माइग्रेट करती हैं वो लिखा था, और इससे एब्राइट की साइंटिफिक मन में हलचल शुरू हो गई। उस बुक के एंड में डॉक्टर फ्रेडरिक यूकहार्ट, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी से थे, उन्होंने रीडर्स को बटरफ्लाई के माइग्रेशंस की स्टडी में हेल्प करने के लिए कहा था। उन्होंने रिसर्च के लिए बटरफ्लाइज को टैग करने के लिए कहा था। एब्राइट की मदर ने डॉक्टर यूकहार्ट को भी लिखा कि वो जल्दी ही बटरफ्लाइज को टैग करेंगे और उस पर लिखा होगा कि जिसको भी ये टैग बटरफ्लाई मिले वो इसे डॉक्टर यूकहार्ट के पास पहुंचा दे। बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन लेट समर के लास्ट 6 वीक में होता है, और अगर कोई एक एक करके बटरफ्लाइज का पीछा करेगा तो वो ज़्यादा बटरफ्लाइज नहीं पकड़ पाएगा। तो अब रिचर्ड एब्राइट का नेक्स्ट स्टेप था बटरफ्लाइज के एक फॉक को राइज करना। तो इसके लिए उन्होंने फीमेल बटरफ्लाई को कैच किया, उसकी एग्स ले लिए और फिर बेसमेंट में जाकर एग्स को कैटरपिलर और कैटरपिलर से एडल्ट बटरफ्लाई बनने दिया। फिर वो उस बटरफ्लाई को टैग कर छोड़ देते थे। बहुत सालों तक उनका बेसमेंट थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज का घर रहा है। फिर क्या, धीरे धीरे रोज यही काम करके वो बोर हो गए, क्योंकि ना इसका कोई आउटपुट निकल रहा था और ये काम भी बहुत टीडियस था। उन्होंने जितनी बटरफ्लाइज पर टैग लगाए थे उसमें से सिर्फ दो ही कैप्चर हो पाई थी, जो भी उनके घर के 75 माइल्स दूर ही मिल गई थी। अब जब वो 7th क्लास में थे, तब उन्होंने रियल साइंस क्या है उसके बारे में एक साइंस फेयर में पता किया, जहाँ वो हार गए। उन्होंने फॉक टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंडर रखा था और सबको दिखाया था, पर फिर उनको रियलाइज हुआ कि बाकी सब लोगों ने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किए हैं, ना कि उनके जैसे बस नीट डिस्प्ले। अब उन्होंने मन में ठान ली
कि अगले साल के फेयर में तो मैं ही रियल एक्सपेरिमेंट करके जीतूंगा। फिर उन्होंने इसके बारे में डॉक्टर यूकहार्ट को लिखा और आइडियाज के लिए पूछा, तो वहां से रिप्लाई में ढेर सारे आइडियाज की लिस्ट आई, जिसको एब्राइट ने रिसर्च किया और स्टडी करके काफी प्रोजेक्ट्स में प्राइज लिए और उनके प्रोजेक्ट्स को तो इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी प्राइज मिले। उन्होंने उनके 8th ग्रेड के प्रोजेक्ट के लिए मोनार्क बटरफ्लाइज को हर थोड़े साल में मार देने वाली डिसीज को फाइंड करना चाहा। उनका ये सोचना था कि ये डिसीज बीटल्स कैरी करते हैं, तो इस बार के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कैटरपिलर्स और बीटल्स को साथ में रेस किया, पर कोई रियल रिजल्ट सामने नहीं आया। पर फिर भी वो एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने के लिए जीत गए। अब अगले साल का प्रोजेक्ट ये था कि उन्हें इस थ्योरी को प्रूव करना था कि वायसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं, क्योंकि बर्ड्स वायसराय बटरफ्लाइज को खा जाती हैं, बट मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खाती है। तो उन्हें एक बर्ड के बारे में पता चला जिसका नाम स्टारलिंग है और इसकी डाइट ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं होता। इनको जितनी भी मोनार्क बटरफ्लाइज मिलती हैं वो उन सबको खा जाती है। और फिर बाकी लोगों की रिसर्च से ये पता चला कि वायसराय डू कॉपी मोनार्क्स, बट उनके इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्लेस जूलॉजी डिवीजन और पूरी कंट्री में थर्ड रैंक मिली। फिर जब एब्राइट हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तब उन्होंने रिसर्च की और उससे उन्हें एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी हुई और इनडायरेक्टली इससे ये हुआ कि उन्होंने लाइफ ऑफ सेल पर एक नई थ्योरी बना दी। जो क्वेश्चन वो आंसर करने का ट्राई कर रहे थे वो था कि मोनार्क्स की प्यूपा बॉडी पर बने 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स क्या हैं। बाकी सबको लगता था कि स्पॉट्स जस्ट दिखावे के हैं, बट डॉक्टर यूकहार्ट को ऐसा नहीं लगता था। तो इसके लिए एब्राइट और उनके फ्रेंड ने एक डिवाइस बनाया जिससे उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि वो स्पॉट्स हार्मोन्स हैं जो कि मोनार्क्स की फुल बॉडी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एब्राइट के इस प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें कंट्री फेयर में फर्स्ट और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जूलॉजी में थर्ड प्राइज मिला और इसी के साथ उन्हें समर में लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिला। उस साल उन्होंने फिर बहुत रिसर्च करी और उस साल का भी फर्स्ट प्राइज जीता और फिर से उन्हें उस लैब में काम करने का चांस मिला। अब उन्होंने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में एक कदम आगे बढ़ाया और बताया, एक्सपेरिमेंट किया कि सेल्स डिवाइड होकर एक नॉर्मल बटरफ्लाई में सिर्फ तभी डेवलप हो पाते हैं जब गोल्डन स्पॉट में से हार्मोन फेड हो पाता है। रिचर्ड के इस प्रोजेक्ट को भी फर्स्ट प्राइज मिला और फिर उन्होंने अपनी समर की वैकेशंस में आर्मी लेबोरेटरी और लेबोरेटरी ऑफ यूएस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम किया। अब एब्राइट को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। फिर उस साल की समर वैकेशंस में उन्होंने एग्रीकल्चर लैब में जाकर गोल्ड स्पॉट के हार्मोन के बारे में और बहुत स्टडी करी और लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके वो उस गोल्डन स्पॉट के हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को जानने में सफल रहे। फिर आधे साल बाद जूनियर ईयर के टाइम रिचर्ड को उनकी न्यू थ्योरी ऑफ सेल लाइफ के बारे में आइडिया आया जब वो केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे हार्मोन का फोटो देख रहे थे। उनको इससे ये समझ आया कि सेल डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड करता है, जो कि बायोलॉजी की बहुत बड़ी पजल थी। एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग रात भर पिक्चर्स ड्रॉ करते रहे, मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल बनाते रहे इस सब को प्रूव करने के लिए और फिर उन्होंने इसके ऊपर एक पूरा थ्योरी पेपर ही लिख दिया। रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनकी 1510 लोगों की क्लास में से सेकेंड रैंक से ग्रेजुएट हुए। वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए और वहाँ वो अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। अगर ये थ्योरी प्रूव हो जाती है तो वो लाइफ की प्रोसेसेस एक्सप्लेन कर पाएंगे और कुछ टाइप की डिसीजेज और बॉडी कैंसर्स को भी प्रिवेंट कर सकेंगे। ये सब उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से हो पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ साइंस में ही इंटरेस्टेड थे, वो बटरफ्लाई कलेक्टिंग के अलावा चैंपियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, कैनोइस्ट, फोटोग्राफर
और ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन थे। रिचर्ड एब्राइट को उनके टीचर रिचर्ड ए वेरियर सोशल साइंस वाले बहुत पसंद थे, क्योंकि वो स्कूल डिबेट क्लब के इंचार्ज थे और वो भी एब्राइट को बहुत पसंद करते थे। और वो कहते थे कि रिचर्ड हमेशा से ही वो एक्स्ट्रा एफर्ट रखते थे, जिसमें वो 2 से 3 घंटे डिबेट प्रिपेयर करते थे और फिर अपनी बटरफ्लाइज पर भी रिसर्च करते थे। और उनके साइंटिस्ट बनने के लिए फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी और विनिंग फॉर द राइट रीजन मेन इंग्रेडिएंट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।